नमस्कार मित्रों, तहे दिल से सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं थराद, जो उत्तर गुजरात बनासकांठा में है, और यहाँ पर हम आपको एकदम शानदार क्रॉस HF का जो फार्म दिखाएंगे, वो एकदम शानदार है और शेड भी बहुत बड़ा है और पशु भी एकदम शानदार है और सभी क्रॉस ब्रीड में है। तो मैं आपको ये फार्म के बारे में पूरा विस्तार से बताऊँगा और जो दिखाऊँगा जो गाय और ये डेयरी फार्मिंग में हम कैसा अच्छा बेनिफिट ले पाते हैं उसके बारे में पूरा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं ये डेयरी फार्म के ओनर से और जानते हैं कुछ इस डेयरी फार्म के बारे में, तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। तो मित्रों, आप देख सकते हैं एकदम शानदार और बड़ा हाइट में फार्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा आप देखें यहाँ पर जो बहुत शानदार हाइट है, और जस्ट इस साइड भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फार्म है और उसकी जो हाइट है और अलग से शानदार है। उसका जो डिज़ाइन है शेड की गई है, पूरा वेंटिलेशन हो रहे और पूरा जो शेड है ठंडा रहे, इसी तरह उसका जो शेड है पूरा अच्छी तरह से बनाया गया है आप देख सकते हैं। और ये सभी क्रॉस ब्रीड है, प्योर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है और ये सबसे ज़्यादा गर्मी वाला ये प्रदेश है। आप इस साइड जाओगे तो यहाँ पर पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है और इस साइड राजस्थान की बॉर्डर है और ये एक प्रकार का रेगिस्तान ही है और यहाँ पर प्रॉपर ही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, 45 से 50 डिग्री यहाँ पर मोस्ट ऑफ की गर्मी के सीजन में टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर जो प्योर जो ब्रीड की है गाय जो पंजाब हरियाणा में रहती है वो यहाँ पर अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाती। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल भी ये गाय यहाँ पर ही, आप देख सकते हैं ये क्रॉस ब्रीड है तो भी यहाँ पर गाय आप रही है और गर्मी के कारण उसके अंदर जो वीकनेस है, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी हाई रहती है तो यहाँ पर जो ब्रीड वाली जो गाय है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर जो काली गाय है और जो क्रॉस में जो कांकरेज के क्रॉस में जो गाय रहेगी वो अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगी आप देख सकें। तो मैं आपको ये डेयरी चला ये फार्म चलाने वाले जो ओनर है उसे भी मिलाऊंगा। तो ये भानु भाई, हमने यहाँ पर चार पाँच वीडियो शूट किया, उसके पास काफ़ी अलग अलग नस्ल की जो ब्रीड है जैसे कि गिर है, कांकरेज है और भैंसों में भी तीन प्रकार की ब्रीड है, मुरा बनी और मैसाणी, तीन प्रकार की। और हम ये HF के फार्म में आए हैं और HF में क्या वास्तविक यहाँ पर वास्तविकता है, कैसे अच्छा बेनिफिट ले पाते हैं, दूध का व्यवसाय HF में कैसा है, पूरा हम विस्तार से बताएंगे। तो बनो भाई जी, राम राम। राम राम, कैसे? ठीक है भाई, एकदम जी भाई। तो ये हम ये पूरा शेड देख पा रहे हैं और ये पूरा हम ये पशु देख पा रहे हैं जो क्रॉस में है जी। तो ये आप डेयरी फार्म कितने सालों से कर रहे हैं? ये हमारा 4 साल से है डेयरी फार्म। अच्छा, HF का पूरा HF है और ये HF ये 4 सालों से, ये HF आपने खुद घर पर तैयार किया कोई? नहीं, हम परचेस किया था। अच्छा, पंजाब से परचेस किया था। अच्छा, और फिर उसकी जो बछड़ी है वो भी तैयार किया है। अच्छा जी, और आपके पास प्योर ब्रीड में पंजाब की भी गाय है या वहाँ से भी प्योर लाई या क्रॉस में लाई? नहीं, वहाँ से क्रॉस में लाया था, प्योर 100% हम नहीं लाए। अच्छा, वहाँ से क्रॉस में लाए, क्योंकि यहाँ पर तो दिक्कत ज़्यादा रहेगी जी जी। तो ये आपका फिलहाल आपके पास कितने पशु है टोटल? मेरे पास में छोटी और बड़ी होके 70 है और बड़ी गाय 50 है मेरे पास में। अच्छा 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 अच्छा, तो दूध कितने दे रही है फिलहाल? दूध अभी 35 गाय दे रही है। अच्छा, बाकी की 15-16 गाय ड्राई ब्रीड में है। अच्छा, यानी कि 35 गाय दूध दे रही है जी, और बाकी की जो 25-20 गाय जो बच रही है वो सब ड्राई ब्रीड में, यानी कि वो बियाने वाले जी। और जो आपके पास पर्सनल एक गाय का कितना मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना? ज्यादा से ज्यादा मेरे पास में 34 लीटर वाली गाय है, एक टाइम का 17 लीटर, दोनों टाइम का 34 लीटर। अच्छा, यानी वो, और ये सब आपने काली गाय ज़्यादा है जी, क्या उसका यूनिक ब्रीड है थोड़ा बताए हमें? ये काली गाय ने तो ये क्रॉस ब्रीड होती है। अच्छा, तो उसमें थोड़ा वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो मेंटेन कर पाती है उसके हिसाब से, सही बात है। तो इसलिए हम प्योर 100% ब्रीड HF नहीं लाए। अच्छा, ये तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कानों में जो अलग अलग टैग लगाया हुआ है जी जी, तो ये टैग आपने खुद का है या कोई डेयरी का है? नहीं, ये अपने बनास डेयरी का ही है। तो अच्छा, उसका क्या है, कोई मिल्क रिकॉर्डिंग करना हो या गाय हीट में आती है, गाभन होती है, तो उसका पता चले कि ये गाय अभी उसका पीडी चेक करो तो गाभन हो गई है, गाभन अच्छा, होने की बाकी है, कब वियान हुआ था, तो अच्छा, सब उसका बायोडाटा पे चलता है ये। अच्छा, यानी कि ये गाय तो अलग अलग रहती है जी, जो हमें प्रॉपर उसका नाम है उसका जो नहीं पता रहता, जो टैग है जी पता चला गया इस तारीख को बी आई है जी। और आप ये गायों को सबसे ज्यादा समस्या क्या रहती है उस गाय को? सबसे समस्या यही है कि अपने एक तो ये जो गर्मी हीट होता है ना, अच्छा, तब थोड़ा टेम्परेचर की तकलीफ होती है। अच्छा, और तब थोड़ा मिल्किंग भी ओछा दे रही, दूध भी ओछा निकाल दिए। अच्छा, और ये कि रिपीट का प्रश्न ज़्यादा होता है। अच्छा,
तो हम बुल भी रखते हैं अच्छा। गाय के लिए अच्छा। और हम कोई गाय को कोई दूरी से बांधते नहीं है, पूरी छुट्टी रखते हैं वाड़े में खुली तरह से, तो मतलब कम मिलता है रिपीट का वर्ष ना अच्छा। और कोई कोई मतलब बाय चांस हो जाता है, हो जाता है अच्छा जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत ये गर्मी के कारण यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, और भाई के पास थोड़ा हरे चारे का थोड़ी दिक्कत है जी जी। और भाई ने जो अलग सुपर नेपियर के अलग अलग जो शेड बनाए गए हैं जी, सुपर नेपियर लगाने का भी यहाँ पर बंदोबस्त कर रहे हैं जी, और इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पर वीकनेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गायों के लिए अलग अलग फोकर है, और सबसे ऊपर जो आप फैन पे देख सकते हैं और शेड पे बहुत बड़ा है जी, और तो भी यहाँ पर जो गाय है आप रख रही है, आप रही है, ये मेन समस्या यहाँ पर यही रहती है जी। भाई टोटल आपके पास कितनी गाय दूध दे रही है फिल, और कितना दूध हो रहा है अभी? मेरे पास में टोटल बड़ी गाय 50 है अच्छा, उसमें से 35 गाय अभी दूध निकाल रही है अच्छा, और अभी ये दोनों टाइम का 500 लीटर दूध हो रहा है एचएफ का अच्छा, एक टाइम का 250 लीटर, एक टाइम का 250 लीटर। और कितना मूल्य मिलता है एक लीटर पे? एक लीटर पे 28 से 30 रुपया तक मिलता है हमारे को लीटर पे। हाँ। जी भाई, और आपके पास भैंसे भी है जी और गायें भी है जी, तो आप ये पूरा जो मिल्किंग मशीन से दूध निकालते हैं या तो से निकालते? नहीं, अभी हमारे पास में एक पार्लर भी बना हुआ है बाहर गाय धोने का अच्छा, पर पहले हम 3-4 महीने पहले एक गटर लाइन का काम चालू किया था, तो इसलिए बंद कर दिया था अच्छा, तो अभी हम हाथ से निकाल रहे हैं। पर वो अच्छा तो हमारे को मिल्किंग मशीन में रहता है कि एक साथ में कभी कोई लेबर नहीं होता है अच्छा, तो हम खुद भी 2 घंटे में पूरी 50 गाय को दो सकते हैं अच्छा। और ये हम जो पूरा शेड देख पा रहे हैं जी, ये साइज कितने हैं भाई? ये साइज 105 फुट लंबाई है अच्छा, और पौड़ाई में 85 फुट है अच्छा, यानी कि 85 उसकी जो लंबाई अच्छा। और ये हाइट बीच वाली हाइट होगा 23 फुट अच्छा, और लास्ट वाली है 14 फुट 14 फुट जी, 14 ईयर बीच वाली 23 फुट जी, तो हाइट तो बहुत बड़ी है और ये पूरा शेड है एकदम ठंडा है जी। तो भाई हमें ये बताए जी कि आपको बेनिफिट कैसा हो रहा है एचएफ? ये एचएफ में देखो, जो डेयरी में दूध अपने भरवाना चाहते हो तो एचएफ का अच्छा रहते हैं अच्छा, और कोई बाहर मार्केटिंग करो तो उसका गिर का अच्छा रहते हैं। सही बात है, यानी कि जो आप दूध का व्यवसाय करते हैं और डेयरी में देना चाहते हैं तो एचएफ का अच्छा एचएफ कर सकते हैं, और आपको जो हैंड टू हैंड जाकर उसका जो अच्छी तरह से ए टू मिल्क देना है तो आपको घर जाकर खुद हैंड टू हैंड देना होगा जी। जी तो मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। आपको पता है कि दूध में 0% यानी कि 70% पानी रहता है, और कोई भी गाय प्यासी है तो अपने आप वो पानी जितना पिएगी उतना ज़्यादा दूध देगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भाई, ये सब क्रॉस है और वहाँ पर भी सब क्रॉस ही है और छोटा छोटा का भी है जी जी। तो भाई हमें ये बताएं कि पूरा दूध आप बड़ा देरी में दे रहे हैं जी, तो एक महीने का कितना इनकम होता है? अभी कितना होता है अभी हमारा? देखो कि पहले जब 4 महीने पहले तो दूध ज़्यादा जा रहा था, दिन का 1000 लीटर जा रहा था भैंस और गाय का दोनों का, और अभी दिन का समझ लो 700 लीटर जा रहा है अच्छा। तो अभी मेरे हिसाब से 21-22 हज़ार का दिन का मुनाफा हो रहा है अच्छा। 21-22 जी, एक दिन का मुनाफा? एक दिन का जी भाई, मतलब टोटल, और एक मंथली का 6 लाख से 7 लाख तक हो रहा है अभी जी भाई। तो हमें आपको ये बताया कि आपको एक्सपीरियंस तो 4-5 बरस का है जी, तो एचएफ गायों में सबसे ज़्यादा समस्या क्या रहती है, क्या क्या उसके अंदर दिक्कत रहती है, क्या क्या रोग होता है एचएफ गाय में? देखो समस्या ज़्यादा से ही है कि एक तो ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती है ज़्यादा दूध वाले, और रिपीट का प्रश्न थोड़ा ज़्यादा रहता है अच्छा, वही समस्या है। बाकी तो जो सही गाय को टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है क्रॉस ब्रीड वाली, तो अच्छा ये एचएफ गाय है दूध के लिए, तो जी जी जी, जो डेयरी में भरवाना चाहते हैं इसके लिए। और कोई ऐसे कि जो मस्टिटाइटिस है ऐसी कोई समस्या नहीं रही? नहीं, ऐसे तो क्या है कि हम जो हमारा फीड डालते हैं ना वो खाना जी, तो वो पहले दूध हम निकाल सकते हैं और उसके बाद में फीड डालते हैं, तो दोने के बाद ये गाय है वो 1 घंटा तक खड़ी रहे अच्छा, तो उसको मस्टिटाइट का प्रॉब्लम कोई होता नहीं है अच्छा, और फिर दूध निकाल के फिर छोड़ दो उसको, और ये गाय नीचे बैठ जाती जमीन पे तो उसको बैक्टीरिया लग जाता है, तो वो मस्टिटाइट का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा जी। यानी कि आप भाई बता रहे हैं कि कोई भी आप गाय दूध निकालते हैं और दूध निकालने के बाद उसकी जो जिस जगह पर आपने दूध निकाला वो गाय को दूसरी जगह पर चेंज कर ले, और जो दूध निकालने के बाद जो उसके जो छेद है छिद्र है जो उसका जो छेद है वो खुला रह जाता है जी 1/2 घंटे से 1 घंटे तक, तो आपको उसी गाय को बैठने नहीं देना है, क्योंकि ये ज़मीन पर है वो बैक्टीरिया बनकता है, और जो बैठ जाएगी तो उसके जो ऑर्डर है उसके जो आचल हम बोलते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो चला जाएगा, और बैक्टीरिया इंस्पेक्शन होने के कारण उसके अंदर जो मस्टिटाइटिस यानी कि थनेला जो बावले की जो बीमारी हो सकती है जिसे अपन गठिया भी बोलते हैं,
तो ये आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी गाय दूध निकाले तो उसको आप तुरंत ही चेंज कर दे और कोई भी जगह पर, एक जगह पर खड़े रखकर आप कोई फीड है, हरा चारा, सूखा चारा यानी कि खिलाए, तो वो एक घंटे तक वो खड़ी रहेगी। और आप कोई भी, हम लोग कोई भी यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर आप कोई कड़ी चूना बोलते हैं अपन, जो दीवार पर लगाते हैं, वो कड़ी चूना का छिड़काव करें पूरी जगह पर, एक एक महीने में पूरा आशा आशा ऐसे छिड़काव करें, तो उससे जो बैक्टीरिया है जी, वो इंस्पेक्शन, जो बैक्टीरिया का इंस्पेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। और आप भाई वैक्सीने कौन सी लगाते हैं? वैक्सीन लगाते हैं, हम जो डेयरी में वैक्सीन आती है, गड़सुंडा का आती है, खरवा का आती है, मुआशा की आती है, वो हम जो टाइम पे आती है वो वैक्सीन सब लगाते हैं, सब डेयरी की। यानी कि आपको वो ऑटोमेटिक आ जाता है? हाँ, ऑटोमेटिक आ जाता है जी। यानी कि जो सबसे ज़्यादा तो समस्या है उसी में गर्मी के कारण, ठंडी के कारण रहती है। हाँ, ठंडी जो मुँह पका मुँह पका जी जी। और सबसे वो गड़सुंडा यानी कि जो गड़े में सावे पड़ते हैं जी, वो समस्या है उसमें है। लेकिन आप टाइम से जो उसकी वैक्सीन लगाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं, बस आपको अच्छा तरह से हरा चारा, सूखा चारा और फीड मैनेजमेंट करना है, और अच्छा तरह से आपको ब्रीडिंग करना है। कोई अच्छे बुल है, दुधारू बुल है, उसके रिकॉर्ड के साथ इसी गायों को गाभिन करना है, तो जो बच्चा आएगा उससे बेहतर अच्छा दूध रिकॉर्ड वाला बच्चा मिलेगा और आप अच्छी तरह से उसका बेनिफिट ले पाते हैं जी। जी तो भाई हमें वहाँ पर जो अच्छे अच्छे जो गाय है जी दिखाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शानदार गाय है जी, और ये सभी पंजाब और हरियाणा से लाई हुई है जी, और ये सब प्योर में नहीं है, क्रॉस में है, तो भी उसकी जो प्योरिटी है जी थोड़ी बहुत तो ज़्यादा ही है, क्योंकि ये गाय आप देख सकते हैं उसकी जो बॉडी लेंथ है, जैसे प्योर जैसे बहुत ही उसी प्रकार है जी। आप देख सकते हैं वो उसकी जो बॉडी लेंथ है, जितनी बॉडी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी जो प्योरिटी है ज़्यादा होगी। क्रॉस ब्रीड तो है जो श्योर है सभी पर, लेकिन उसकी जो प्योरिटी है जी बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं भाई ये गाय अलग देख पा रहे हैं, ये कौन सी नस्ल है? ये साहिवाल है। अच्छा जी, ये साहिवाल आपने कहाँ से लाई? साहिवाल हम लाई है हरियाणा से। अच्छा जी, तो ये साहिवाल को भी इसी बीच रखते हैं जी। और ये साहिवाल को भाई हमें ये यहाँ पर पहली बार देख पा रहे हैं जी। तो आपके पास तो टोटल 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसी नस्ल हो गई अलग अलग प्रकार की जी जी जी। यानी कि जो भैंसों में तीन प्रकार की है जी, और ये एचएफ में है, साहिवाल है जी, और गिर है, वहाँ पर एक थारपारकर भी है, कांकरेज अलग अलग प्रकार जी। ये भाई हम ये साहिवाल है जी, दिखने में तो हमें एचएफ जैसी दिख रही है जी, तो क्या उसके अंदर यूनिक पॉइंट है, हम कैसे पहचान के ये साहिवाल है, थोड़ा बताएं हमें। ये उसका देखो कि जो उसका मुंह है ना, मुंह से अलग लगता है, उसका कलर से अलग लगता है, उसका बावला है वो बावला से अलग लगता है। अच्छा, और उसका दूध है वो ए टू मिल्क दूध होता है। अच्छा 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 जी। अच्छा, ये देखा भाई आपको दिखने में आपको जो यहाँ पर हम नील गाय बोलते हैं, जो रोजड़ा बोलते हैं, उसी प्रकार है जी। और आप कोई जो अलग भाई होगा तो उसे पता नहीं चला कि ये साहिवाल है या एसएफ है, लेकिन जो जो जिसे देसी नस्लों का जो ज्ञान है वो पहचान पाएगा। आप देख सकते हैं जी, ये हरियाणा के प्रॉपर नस्ल है जी, जो जैसे हम गंगा तेरी बोलते हैं, जो हरियाणा में बोलते हैं, उसी प्रकार उसका जो कलर है अलग होता है, उसका जो हम्प है जी वो नहीं होता, लेकिन है साहिवाल, ये देसी नस्ल ही है और ए टू मिल्क देती है, जिसे अपन स्वर्णसार बोलते हैं जी। ये भाई उसका रिकॉर्ड क्या है? उसका रिकॉर्ड है 15 लीटर दिन का, एक दिन का 15 लीटर। हाँ, पूरा दोनों टाइम का। अच्छा, और ये आपने कहाँ से लाई? ये हम हरियाणा से लाया था। अच्छा, जब ये एचएफ गाय लाया तो वहाँ एक मेरे को पता चला कि ये साहिवाल है, तो चलो एक ब्रीड ये भी ले लो, कुछ अच्छा चेंजेस करो, कुछ अच्छा सीखने को मिले जी, इसी से आपने जी, जी। और आप ये दूध उसे एचएफ के साथ ही देते हैं? नहीं, एचएफ के साथ नहीं, ये हमारे घर के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, और जो ये हमारा गोवाल है गाय के लिए, तो उसको भी दूध खाने के देते हैं। क्या ये क्या फैट आते हैं इसके? उसका अभी 5 फैट आते हैं। 5 फैट यानी कि जो कांकरेज जो फैट होता है उसी प्रकार के जी जी जी। तो हम जो हमें वहाँ पर जो छोटे छोटे काप है जी, वो भी हमें दिखाए जी, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जी, जगह तो बहुत विशाल है, लेकिन यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, सो गाय थोड़ी घाप रही है और थोड़ी क्या बहुत यहाँ पर वीकनेस है, क्योंकि फिलहाल हरा चारा है, चारा की बहुत ही दिक्कत है जी। और फिलहाल साइलेज की भी दिक्कत है, वो भाई ने बोला कि हम थोड़े दिनों में साइलेज शुरू करना चाहते हैं, और भाई सुपर नेपियर लगाए हुआ है जी, वो भी जस्ट आने लगेगा, तो हम आपको जो छोटे छोटे काप है वहाँ पर भी ले जाते हैं। ये तो भाई ये बुल के बारे में बताएं, ये बुल कौन सी ब्लड लाइन का है? ये पंजाब का ब्लड लाइन का है। अच्छा, और उसका मिल्क रिकॉर्ड उसकी माँ का अभी दिन का 36 लीटर है। अच्छा, और उसका अभी हम जो गाय था घर पे लाया था पंजाब से। अच्छा, उसका बुल ही तैयार किया घर पे। अच्छा, उसका माँ का रिकॉर्ड क्या है? 36 लीटर दिन का। 36 लीटर दिन का जी, यानी कि आपका खुद का ही है जी जी। यानी कि जो इतनी गाय है जी, इसमें आपको
एक बुल रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आप कोई भी गाय ऐसे तो सीमन नहीं मानती जी। तो सो बुल से अपना खुद का बुल हो तो वो पहचान पाएगा कि ये गाय हिट में आई है जी, और वो अच्छी तरह से गाभिन कर पाए, आप देख सकते हैं। और ये उसके अंदर जो प्योरिटी है वो ज्यादा है, उसकी जो बॉडी लेंथ है जी, उसके जो पूरे रीढ़ की हड्डी है एकदम फ्लैट है, आप देख सकते हैं जी। उसका जो कान है एकदम छोटा है जी, आप देख सकते हैं। उसकी हाइट से आप पता चलता है कि ये प्योरिटी ज्यादा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी छोटे छोटे गाय है, और ये भाई जस्ट बगल में हम देख पा रहे हैं, ये कौन सी गाय है जी? ये क्रॉस ब्रीड है, मतलब अच्छे पे है। अच्छा, यानी कि ये कॉकरेच क्रॉस है जी? कॉकरेच क्रॉस या थारपारकर क्रॉस? नहीं, थारपारकर क्रॉस है। अच्छा, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत क्रॉस है, लेकिन फिलहाल उसके जो एचएफ की जो गुणवत्ता है वो ज़्यादा है, आप देख सकते हैं जी जी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एकदम ठंडा, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको लगता होगा कि ये कीचड़ है जी यहाँ पर, लेकिन ये पूरी ये गाय है वो होस्टन देशों की है, क्योंकि जो जिस होस्टन से ये गाय आई है वो पूरा ठंडा प्रदेश होता है। और ये छोटे छोटे काप है यहाँ पर, पूरे छोटे छोटे काप, और जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गाय बिया हुई है ताजी, उसका जो जहर है जो मेला बोलते हैं वो अभी गिरा नहीं, आप देख सकते हैं। और भाई हमें ये बताया कि आप कोई गाय यहाँ पर कोई सेल करते हैं या नहीं करते? नहीं, सेल अभी तक हमने नहीं किया, एक गाय सेल नहीं किया। नहीं, यानी कि पूरा आप यहाँ पर ही रखते हैं गाय जी? और फिलहाल तो आपको 3-4 बरस हुए हैं, तीन तो चार। आप खुद ही यहाँ पर पशुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं जी, और सेल करना फिलहाल नहीं चाहते जी। जी भाई, और ये पूरे बरस में ये एच एफ में कितना आप बेनिफिट ले पाते हैं? हम पूरे बरस में समझ लो ना, हम दूध तो सब साथ में जा रहा है भैंस का और गाय का। अच्छा, पर हमारे को लग रहा है कि दूध के लिए एच एफ बढ़िया है। अच्छा, और ये थोड़ा सा हीट की वजह से हमारे को प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रही है। तीन महीने तो आपको खुद एडजस्ट करना होगा जी जी, क्योंकि यहाँ पर तो ये क्योंकि ये रेगिस्तान है, फिर गाय की सब क्वालिटी चेंज हो जाती है, दुबली हो जाती है, फिर है। जब ठंडी का मौसम आता तब गाय सब उसकी चलकाट आ जाएगी, चमक आ जाएगी जी है। और यहाँ पर हम देसी नस्ल देख पा रहे हैं जी। ये भाई एक ये का कौन सा है? देसी, देसी, देसी हमारी घर की है। अच्छा, कॉकरेज गाय की? कॉकरेज की है जी। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं एकदम छोटे छोटे काप, आप देख सकते हैं एकदम प्यारी सी देसी नस्ल की, हमारी जो देसी नस्ल है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी है जी देसी नस्ल, आप देख सकते हैं जी। जी भाई, ये कांकरेज है जी, ये हमारे घर की है सर, लगभग ये 10 बार जन गई है बच्चा। अच्छा, ये हमारे पूरे घर की है, परिवार की। अच्छा, यानी कि ये 12 बार बिया चुकी है जी जी। और यहाँ पर भी ये ऐसे आप देख सकते हैं जी। और ये भाई ये कांकरेज है थारपारकर? नहीं, ये उसकी बच्ची है। अच्छा, कांकरेज बोलते हैं ये कांकरेज है। आपको इस गाय को जो सीमन रखवाते या भूल से गाभिन? नहीं, भूल से किया था गाभिन। अच्छा जी, और उसका जो नेचर थोड़ा बहुत है उसके वो लग रहा है, थोड़ा चेंज लग रहा है जी। और ये राजस्थान की ब्लड लाइन है? ये राजस्थान की ब्लड लाइन है। अच्छा, ये सांचोरी जैसी दिख रही जी जी जी। और जो भाई इस नस्ल के बारे में पहचान पाता है तो वो कॉमेंट अवश्य करे जी, ये कौन सी नस्ल की है जी। ये भाई, और ये गाय भी राजस्थान की हम लाए थे। अच्छा, और थोड़ी ये थारपार जैसी लग रही है। अच्छा, थारपार कर और दिखने में एकदम शानदार है। कितना दूध है उसका? उसका अभी ये दूसरी बार अभी बच्चा जनी है। अच्छा, तो उसका अभी ये दोनों टाइम का 12 लीटर दूध है। अच्छा, 12 यानी कि एक टाइम का 6 लीटर? 6 लीटर जी। और यहाँ पर है, वहाँ पर भी देख सकते हैं जी, बहुत ही शानदार। और उसका हम पे बहुत ही शानदार, आप देख सकते हैं बैठे हुए आराम कर रही है, तो हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भाई ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मैनेज किया गया, पूरा हाईटेक तरीके से यहाँ पर शेड बनाया गया, आप देख सकते हैं। ये गाय का ही है पर्सनल। अच्छा जी भनु भाई, तो हमें ये बताया कि आप बेनिफिट कैसा ले रहे हैं? बेनिफिट तो हमारे को बहुत अच्छा मिल रहा है डेयरी में, मतलब जो डेयरी में दूध भराना चाहते हैं। अच्छा, वो भैंस का और एचएफ गाय का ही अच्छा है। अच्छा, आप हमें ये बताए कि जॉब अच्छी है या डेयरी फार्मिंग अच्छी? नहीं, हमारे लिए तो अभी हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये हमारा डेयरी फार्मिंग अच्छा है। डेयरी फार्मिंग अच्छा है, यानी कि अब कोई स्ट्रेस वाला काम नहीं है जी, किसी की गुलामी या गुलामी नहीं है। और 3 कलाक सुबह में काम, 3 कलाक शाम को काम, और पूरा दिन हम फ्री रहते हैं। अच्छा, और उसमें कोई एचएफ में तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं रहती? नहीं रहती। खुद आपको उसका जो छोटे बच्चे की तरह थोड़ा बहुत केयर अच्छी करनी होती है? जी जी जी, क्योंकि ये बाहर के जो छोटे बच्चे केयर किए जाते हैं उसी तरह उसकी जो केयर करनी होती है। केयर करनी होती है। तो भाई हमें ये बताया कि ये जो हमारे नए सब्सक्राइबर है, नए जो पशुपालन भाई है, नए किसान भाई है, ये डेयरी फार्म में आना चाहता है जी, तो उसे क्या मैनेज करना होगा? वो शुरुआत में वो कैसे मैनेज कर पाएंगे, कहाँ से ये गाय ले पाएंगे, और कैसे उसे मैनेज करना होगा, कितने गाय उसे लाने चाहिए, शेड कितना बड़ा बनाना चाहिए,
वो शुरू में वो कैसे क्या करे कि उसे वो सक्सेस हो जाए, थोड़ा बताएं। ये हम बता रहे हैं कि जो शुरुआत में जो डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहते हैं, अच्छा, वो तो सर्वप्रथम तो अपने शेड तो जैसा होगा ऐसा चलेगा, कोई ऐसा हम बनाए ऐसा नहीं बना होगा तो चलेगा, सादा शेड होगा तो भी चलेगा। सही बात है। और शुरुआत में वो कम पशु लाइए, 10-12 पशु। अच्छा। और लाए वो सब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पशु 50,000 वाला ला दिया, ब्लड लाइन वाला लाए, भैंस लाए तो भी ब्लड लाइन वाला, उसका सब रिकॉर्ड होना चाहिए वो लाए। अच्छा। और HF गाय लाए तो भी ब्लड लाइन वाली और उसका रिकॉर्ड मिल्किंग का होना चाहिए पता। अच्छा। ऐसी गाय लाए। अच्छा। और जो ये है वो ब्लड लाइन से हिसाब से चलेगा तो उसका जो बच्चा होगा, अच्छा, तो वो भी 2-3 साल में साइड साइड में बड़ा हो जाएगा और फिर दूध देने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि जो ज्यादा दुधारू है, जो ज्यादा दूध निकल रहे है उसी पशु हमें खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए। और जैसे कि उसे 365 दिन वो 24 घंटे पशु के साथ रहेगा तो वो अपने आप सीख जाएगा जी, ये पशु क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, उसे क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, वो अच्छी तरह से वो मैनेज कर पाएंगे जी। तो ये पनुभाई चौधरी थे जो हमें शानदार माहिती दी। पनुभाई थैंक यू हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी, सो आपको तहे दिल से धन्यवाद जी। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।